अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, क्या आपको मुझे मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, यस सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, हम एक दो मिनट और। जी सर, आप तब आइए। ठीक, हम एक दो मिनट और इंतजार कर लेते हैं, हम सब गैदर हो जाएं, फिर प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ओके सर। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव ज़्यादा इंतज़ार करना मुनासिब नहीं रहेगा। मैं आप लोग से आपकी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी बच्चों, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। यस सर।
अच्छा ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ रूल्स बना लेते हैं। नंबर वन ये है कि स्क्रीन आप में से कोई शेयर नहीं करेगा, और साथ ही साथ मतलब कैमरा कोई ऑन नहीं करेगा। हम अब जो मेरे पास स्क्रीन है हम उसी को देखते रहेंगे, और साथ ही साथ आप सबको मैंने डिफॉल्ट में म्यूट पे रखा हुआ है। जब आपको बात करनी होगी तो उससे पहले एक हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है, आप वो प्रेस करेंगे तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसके बाद मैं आपका माइक अनम्यूट करूँगा तो आप बात कीजिएगा। अगर हम सब बात करना शुरू करेंगे तो फिर चीज़ें ओवरलैप होंगी और ना मुझे आपकी ना आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो हम एक वक्त में एक बंदा बात करेगा, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन या कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो हम आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपका माइक अनम्यूट करूँगा और उसके बाद आप बात कीजिएगा। अच्छा, तरीका ये रहेगा ऑनलाइन क्लासेस में कि जैसे हम क्लास के अंदर इंटरैक्टिव सेशन रखा करते थे जिसमें सिर्फ मैं बात नहीं किया करता था, आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती थी, हम उसी तरीके से सेशंस को लेके चलेंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा आप लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, आपसे कुछ वन टू वन क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होंगे, तो इन्वॉल्वमेंट मुझे आपकी चाहिए होगी थ्रू आउट। अच्छा, एक और बात, क्लास के शुरू में आपकी अटेंडेंस लगेगी, क्लास के बीच में मैं आपकी अटेंडेंस दोबारा लूँगा और मैं स्नैपशॉट्स ले लूँगा अपने पास रख लूँगा ताकि मैं वेरीफाई कर सकूँ, और साथ ही साथ ड्यूरिंग द क्लास इस बात को मेक श्योर करने के लिए कि आप पूरे सेशन में अटेंटिव थे, कि पूरे सेशन में आप मौजूद रहें, आपने रिकॉर्डिंग लगा कर या सिर्फ लॉग इन करके छोड़ नहीं दिया। मैं आप में से किसी का भी नाम लूँगा और अनम्यूट करूँगा, तो यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड फॉर दैट। आपको फौरन से रिस्पॉन्ड करना होगा, हाँ मैं प्रेजेंट बैठा हूँ, ठीक है। ये एक सैनिटरी चेक होता है ऑनलाइन क्लासेज में मेरा, कि मैं अचानक से किसी का नाम लेता हूँ, कहता हूँ कि बैठे हैं कि नहीं बैठे, तो आपने बोलना है जी हाजिर जनाब, इस तरह की कोई बात, ठीक है जी। चलें, हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। हमने मैनेजमेंट के कोर्स में इंट्रोडक्शन देख लिया था, मैनेजर क्या होता है, हमने ये मिनट से पहले सारी बातें देख ली हैं। इसके अलावा मैनेजर के क्या रोल होते हैं ये हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। मिट में माशाल्लाह आप लोगों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, ऑल दो क्वेश्चन कंपेरेटिवली वो थे जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, बट आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। अब हम एक अलग डोमेन में दाखिल होने वाले कि मैनेजर का जो की रोल होता है, जो कि बहुत एसेंशियल रोल समझा जाता है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजर को कंटिन्यूसली फैसले लेने पड़ते हैं, वो इंस्टेंट भी हो सकते हैं, वो प्री प्लान्ड भी हो सकते हैं। इंस्टेंट का मतलब बिल फॉर फिल बदी, अचानक से भी वो फैसले लिए जा सकते हैं, और कई बार वो फैसले पहले से ही प्लान करके स्ट्रेटजीज बनाकर फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन की जाती है। तो दोनों तरह के डिसीजन एक मैनेजर को अपनी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर लेने पड़ते हैं। इस डिसीजंस के डायरेक्टली असर कंपनी की परफॉर्मेंस पे पड़ता है। इवन अगर कंपनी के परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट असर ना पड़े, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उसके अपने डिपार्टमेंट को या उस टीम को जिसे वो लीड कर रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली असर पड़ेगा किसी भी मैनेजर की डिसीजन। तो मैनेजर को डिसीजंस, एक तो ये होता है जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन की, उसमें हमने मिस्टर बीन को देखा था, और उसमें हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी। उसके अंदर मैं मिस्टर बीन को बहुत सारी शर्ट्स थी जो चूज़ करनी थी, तो उसने रैंडमली चूज़ की, इनी मिनी करके कोई एक शर्ट चूज़ की, और उसके बाद अल्टीमेटली जब वो चूज़ कर ली फिर भी उसने वो डिसीजन स्वैप कर लिया। मैनेजर कभी भी रैंडम डिसीजन नहीं लेता, मैनेजर्स अपने डिसीजन के अंदर पीछे एक साइंस होती है, एक कैलकुलेशन होती है जो कि आज हम करेंगे एक्सेल के ऊपर, और उसके बाद जाके एक डिसीजन फाइनलाइज होता है। हम उसी थीम को लेके चलेंगे कि मैनेजमेंट को या मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को उस तरह से पढ़ना है कि इसका असर आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे पड़े। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिसीजन लेने की तरीका आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा। हर बंदा अपनी समझ अकल फहम के मुताबिक डिसीजन लेता है, हर बंदे ने अपने जहन में चाहे हुए या अनचाहे हुए कुछ स्ट्रेटजीज बना रखी हुई हैं जिसके बेस पे वो डिसीजन या फैसले लेता है अपनी ज़िंदगी के। हम सीखेंगे कि एक मैनेजर कैसे डिसीजन लेता है और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक मैनेजर को आम मैनेजर से एक अच्छा मैनेजर बनाती है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली स्लाइड के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव से ये मैंने वही जो बातें डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, इससे हमने बहुत डिटेल में लेके चलना है पहले पार्ट को, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो स्लो लेके चलेंगे। आपकी स्लाइड में एक एग्जांपल है, मैं एक एग्जांपल और भी ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैनेजर एज अ डिसीजन मेकर इसका रोल क्या होंगे हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद मैनेजर एज डिसीजन मेकर कंटिन्यू करेंगे कुछ आगे, और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं हम वन बाय वन वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग आज की दुनिया में
कैसे होता है या मैंने डिसीजन मेकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है आजकल के ज़माने में, हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करें। लेट्स स्टार्ट विद डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, हमने इसका इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका था, कुछ इसको रिवाइज करते हैं इन कॉन्सेप्ट को कि डिसीजन मेकिंग क्या है। जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव, दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई एक सिलेक्शन करना या कोई एक चीज़ पिक कर लेना, इसे हम डिसीजन कहते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं प्लान वन में भी इन्वेस्ट कर सकता था, मैं प्लान टू में भी इन्वेस्ट कर सकता था, मैं प्लान थ्री में इन्वेस्ट कर सकता था। जब मेरे पास तीन ऑप्शन हैं, इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के बारे में अगर मैंने फैसला ले लिया, इट मीन दिस इज माय डिसीजन। तो डिसीजन मींस मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव, दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव में से अपने लिए कोई एक चूज कर लेना या एक से ज़्यादा मुंतखब कर लेना, इसे हम डिसीजन कहें। कहने को, सुनने को, समझने को ये चीज़ बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को अगर जहन में रखा जाए तो ये चीज़ इतनी भी आसान या फिर ऐसी नहीं रैंडम ली जा सकती, बल्कि इसको सोच समझ कर थोड़ा सा रैशनल अप्रोच लेके चला जाए तो हमें रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल दिखते हैं। अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। ये हमने लास्ट स्लाइड आपके मिड टर्म से पहले डिस्कस की थी, कुछ ये रिवाइज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है इसको हमें भी देखते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया देखते हैं, डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या चीज़ है उसके हवाले से इस सेक्शन में हम बात करेंगे, फिर एलोकेट वेट्स टू द क्राइटेरिया, ये कैसे किया जाता है ये भी हम आज की क्लास में देखेंगे, फिर उस पर डेवलपमेंट एनालाइजिंग सिलेक्टिंग एंड सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेट दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। और ये सारे तीन स्टेप, नंबर वन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, नंबर टू डिसीजन क्राइटेरिया डिजाइन करना, और उसके बाद डिसीजन क्राइटेरियाज को वेट एलोकेट करने के बाद हम डेवलपमेंट एंड डेवलप करते हैं, एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेट्स को, और उसमें से कोई एक ऑल्टरनेट सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुनासिब है। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उस ऑल्टरनेट को, और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी वो इफेक्टिव थी या इफेक्टिव नहीं, मतलब उसके रिजल्ट्स आए या रिजल्ट्स नहीं आए। ये वो सारी बात है जो हमने लास्ट क्लास में यानी कि मिड से पहले तक डिस्कस कर ली थी। अब इन सारे कंपोनेंट्स को, इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के समझते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। वही बात जो पिछली स्लाइड के अंदर मौजूद थी, वही स्लाइड यहाँ पर फ्लो चार्ट की शक्ल के अंदर मौजूद है। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, एलोकेशन ऑफ वेट टू द क्राइटेरिया, देन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड एनालिसिस ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव्स, और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट और सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन का स्टेप आता है। ये वही चीज़ जो पीछे मौजूद थी यहाँ पर फ्लो चार्ट की शक्ल में मौजूद है। अब चलते हैं, जब भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं या डिसीजन ले रहे होते हैं, याद रखिएगा मैनेजर को डिसीजन सिर्फ तभी लेना होता है जब कोई प्रॉब्लम आती है। विदाउट प्रॉब्लम मैनेजर कभी भी डिसीजन नहीं लेता। याद रखिएगा कोई मसला है तो उसको ठीक करने के लिए आप फैसला लेंगे, अगर चीज़ें पहले से ही ठीक चल रही हैं तो उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है, अनटिल एंड अनलेस हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना चाहते हो, उसमें कोई बेहतरी ना चाहते हो। जब तक इम्प्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव जहन में ना हो, तब तक जो चीज़ अगर सही चल रही है तो लेट इट बी, उसे वैसे ही चलने दो। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन करेंगे। मैनेजमेंट ये कहती है प्रॉब्लम मीन्स अ डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंस, प्रॉब्लम डिफरेंस होता है या डिस्क्रिपेंसी होता है, फर्क होता है एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट। हर कंपनी अपने लिए कोई ना कोई एक डिजायर स्टेट, डिजायर स्टेटस अपने जहन में बना के रखती है जिसे वो गोल कहती है। बिल्कुल, एक कंपनी है जो ये चाहती है कि मैं ग्रोथ करूँ, ये उसकी डिजायर स्टेट है। एग्जिस्टिंग स्टेट, अगर ग्रोथ भी हो रही है तो इट मीन देर इज नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू ऑलरेडी अचीविंग इट। आपकी डिजायर और एग्जिस्टिंग स्टेट सिमिलर है, तो याद रखिएगा प्रॉब्लम तभी एग्जिस्ट करेगी जब आपकी डिजायर और एग्जिस्टिंग स्टेट्स डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी चाहती है ग्रोथ हो लेकिन एक्चुअली ग्रोथ नहीं हो रही, दोनों में फर्क है, मीन्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। फिलफर्स, कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो कि उसकी डिजायर स्टेट है, लेकिन एक्चुअली एम्प्लॉय टर्नओवर कम होने के बजाय बढ़ रहा है,
डिजायर और एग्जिस्टिंग में डिफरेंस आ गया मीन्स प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। कंपनी चाहती है कि हम अपनी सेल्स को डबल कर दें, सेल्स को बढ़ा दें, ये उसकी डिजायर स्टेट है। एग्जिस्टेंस में क्या हो रही है, सेल बढ़ने के बजाय कम हो रही है। अब यहाँ पे डिजायर और एग्जिस्टिंग दोनों डिफरेंट हो गई, जब भी इन दोनों में डिफरेंस या डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी सो इट मीन्स हम कहेंगे कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम मीन्स कोई मसला एग्जिस्ट करता है। और याद रखिए जैसे ही मसला आ गया अब मैनेजर का काम शुरू हुआ और मैनेजर ने अब इस मसले को ठीक करने के लिए कोई एक फैसला लेना। याद रखिएगा फैसले हर तरह का लिया जा सकता है, इट कुड बी राइट इट कुड बी रॉन्ग, पर याद रखिएगा अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर मैनेजेरियल पोजीशन के ऊपर हैं तो आपको सैलरी या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सही फैसला करना है। आपको सैलरी सही फैसला करने के लिए दी गई है, रैशनल फैसला करने के लिए दी गई है, दुरुस्त फैसला करने के लिए दी गई है, ख़राब या कोई ऐसा फैसला जो कि हमारे डिज़ायर रिजल्ट्स ना ला के दे सके ये फैसला आपसे करने की उम्मीद आपकी कंपनी या आपका अपना बिजनेस कभी नहीं रखता। तो आपको सही फैसला करना हो, सही फैसले के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं हम वन बाय वन स्टेप्स की तरफ बढ़ते रहें। सबसे पहले बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी प्रॉब्लम की। अ प्रॉब्लम बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम्स अवेयर ऑफ इट। याद रखिएगा मसला सिर्फ तभी मसला होगा जब मैनेजर को उसके बारे में पता चल जाए। जब तक वो मैनेजर इस बात से अवेयर नहीं है प्रॉब्लम की एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। बिलफर्ज हमारी सेल डिक्लाइन हो रही है लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसे इस बात का पता ही नहीं है। याद रखिएगा जब तक मैनेजर अवेयर ही नहीं है, जब तक मैनेजर प्रॉब्लम के बारे में जानता ही नहीं है प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो वही बात जैसे हम एक मुहावरा कहते हैं कि आंख हो जल तो पहाड़ हो जल, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम के बारे में जब तक पता नहीं होगा प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमारी नॉलेज में। फिर उसके बाद सेकेंड है देयर इज अ प्रेशर टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम अपने साथ एक प्रेशर लेकर आता है खुद को रिजॉल्व करवाने का, क्योंकि प्रॉब्लम याद रखिएगा हमारे लिए आइडियाज हैं, हमारे लिए नुकसानदेह है, चाहे वो हम इंडिविजुअल अपना बिजनेस कर रहे हैं या हम किसी कंपनी को ज्वाइन किए हुए हैं, दोनों सूरतों में प्रॉब्लम की मौजूदगी दुरुस्त नहीं। तीसरा है द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नीडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। मैनेजर के पास अथॉरिटी इंफॉर्मेशन और वो सारी की सारी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। तो याद रखिएगा जब भी प्रॉब्लम आती है तो नंबर वन प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है, नंबर टू प्रॉब्लम आएगी तो अपने साथ प्रेशर लेकर आएगी, नंबर थ्री मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी, मैनेजर के पास अथॉरिटी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज होने चाहिए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। चल अब हम यहाँ तक रोकते हैं और अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और वो क्वेश्चन है मेरा ओएस 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 जी सर ओएस मेरा सवाल आपसे ये है बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस आज 4 ब्रांचेस रखता है और वो अगले ही साल या 6 महीने में मेरी 4 ब्रांचेस बढ़कर 6 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाए, ये मेरी डिजायर्ड स्टेट है। और एक्चुअली 6 महीने गुजर जाने के बाद मेरी 4 ब्रांचेस की 4 ब्रांचेस ही मौजूद हैं, ब्रांचेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये है क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है या नहीं? सर सवाल समझ नहीं आया मुझे। मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे कंपनी के ब्रांचेस बढ़ जाएं लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो होगी ना क्योंकि नहीं जो बढ़ रही प्रॉब्लम तो होगी। तो प्रॉब्लम को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि जो हम चाह रहे होते हैं अगर ऐसा ना हो तो इट मींस हमारी कंपनी के अंदर या हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम मौजूद है। मेरा अगला सवाल है एक इस स्लाइड में से मेरा एक और सवाल है इन 3 पॉइंट्स में से, और मेरा सवाल है अगला राबिया बीबी, राबिया बीबी आपसे सवाल है। राबिया बीबी आप सुन रही हैं? जी सर। राबिया बीबी मेरा सवाल आपसे ये है कि एक मैनेजर है उसे पता चल गया है कि मेरे पास मेरे कारोबार में या मेरे डिपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आ चुकी है, एक मसला आ चुका है, और जैसे ही मसला आया फौरन से अपने साथ प्रेशर भी लेकर आया,
प्रेशर किस चीज़ का कि जल्दी से उस मसले को हल किया जाए ताकि चीज़ें स्मूथ हो सके, लेकिन जब हल करने जाते हैं तो मैनेजर को पता चलता है कि उसके पास अथॉरिटी ही नहीं है, उसके पास इख्तियारात ही नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? नो सर, सर डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले तो मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकता। चलो, एक और सवाल मेरा इसी से जुड़ता हुआ है। बिल फर्ज हमने मैनेजर को अथॉरिटी दे दी कि भाई आपके पास इख्तियार है, आप इस मसले को हल करने के लिए जो फैसला लेना चाहते हैं आप ले लें, लेकिन जब वो फैसला लेना चाहता है तो उसके पास मसले की डिटेल के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या वो फैसला ले पाएगा? नो सर। शाबाश, याद रखिएगा सिर्फ अथॉरिटी होना काफ़ी नहीं, अथॉरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया उसके पास इन्फॉर्मेशन भी आ गई, लेकिन वो जो फैसला लेना चाहता है उस फैसले पे कोई ना कोई खर्चा आएगा, कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल हो, क्या उन रिसोर्सेज का होना भी जरूरी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने, या रिसोर्सेज के बगैर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नो सर, वो रिसोर्सेज का होना जरूरी है तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपके जहन में क्या बनता है, क्या एग्जांपल देंगी, क्या जहन में आता है रिसोर्सेज को लेकर, ऐसी कौन सी रिसोर्सेज हो सकती है? सर एग्जांपल तो नहीं आ रही सर मेरे जहन में। अच्छा, एग्जांपल एग्जांपल में शेयर कर देता हूँ। एग्जांपल ये है कि आपने देखा कि हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो आपके सेल्स यूनिट पर आते हैं, आउटलेट पर आते हैं, और आकर खड़े होकर लाइन में लगे रहते हैं और तंग आकर प्रोडक्ट आपकी वहीं रखते हैं और चले जाते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने अपने अपने सीनियर मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी, यू हैव द अथॉरिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपने बड़े तरीके से कैमरास देखे, एनालाइज किया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल की कि एक्चुअली क्या वजह है, और जब आपको अंदाजा हुआ कि प्रॉब्लम लोग इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सेल्स काउंटर सिर्फ एक है, अगर सेल्स काउंटर की तादाद बढ़ा दी जाए तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं और कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा और कस्टमर्स हमारे स्टोर से ख़रीदारी करके ही निकलेंगे। अब जब मज़ीद सेल्स काउंटर बनाने की बात आएगी तो इस पर रिसोर्सेज खर्च होंगे, इस पर पैसा खर्च होगा, इस पर वसाइल खर्च होंगे। तो सिर्फ फैसला लेना काफ़ी नहीं होता मैनेजर के लिए, मैनेजर के पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। रिसोर्सेज की मुराद उस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी उसके पास मौजूद होना चाहिए। गुड, चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने यही पता है कि प्रॉब्लम सॉल्व मैनेजर डिसीजन तब लेता है जब प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम क्या होती है ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने जब जाते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है स्टेप नंबर टू के अंदर डिसीजन क्राइटेरिया को, वो कौन से क्राइटेरियाज हैं तो जिनके बेस पर हम डिसीजन लेंगे। बिल फर्स यहाँ पर जो एग्जांपल देगी है, डिसीजन क्राइटेरियाज आर फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड, फॉर एग्जांपल क्या कॉस्ट है जो लगेगी इस डिसीजन को लेने के लिए, क्या रिस्क फैक्टर है जो इन्वॉल्व होगा इस फैसले को लेने में, और क्या आउटकम्स हैं जो हम चाह रहे हैं इस फैसले से। तो ये तीन चीज़ें हैं जो डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरियाज हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि कॉस्ट कटिंग की जा सके, किसी तरीके से पैसे बचाए जा सके। कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन लेते हुए इस बात का ख्याल रखा जाता है कि चाहे पैसे ज़्यादा लग जाएं मसला नहीं, हमें आउटकम वैसा चाहिए और रिस्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे महंगी चीज़ आ जाए, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े, एक्स्ट्रा प्रीमियम इंश्योरेंस का पे करना पड़े, कर दो, लेकिन रिस्क का फैक्टर उस डिसीजन में से निकाल दो। तो कई बार रिस्क है वो बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कॉस्ट जाती है जाए, रिगार्डलेस जितना रिस्की डिसीजन है ले लो, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए, हमें आउटकम्स चाहिए। तो जब आप डिसीजन लोगे तो डिसीजन लेने से पहले आइडेंटिफाई करोगे डिसीजन मेकिंग क्राइटेरियाज कि आप चाह क्या रहे हो, कॉस्ट कटिंग चाह रहे हो, रिस्क मिनिमाइजेशन चाह रहे हो, या फिर आउटकम्स ओरिएंटेड होकर सोच रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। ये बातें डिसीजन लेने से पहले ही डिसाइड कर ली जाएं तो उस वक्त चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, डिसीजन लेना बहुत सहल हो जाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि आपके कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं और आके खड़े होकर ही वापस चले जा रहे हैं, तो आपके मैनेजर ने ये डिसाइड किया कि हम 2-3 या 4 सेल्स यूनिट पॉइंट ऑफ सेल्स और लगा लेते हैं, POS और खड़े कर देते हैं,
इससे ये होगा कि हम ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे और सेल्स जो हमारी वापस चली जाती है वो सेल हो जाएगी, हम रियलाइज कर पाएंगे उस सेल को। लेकिन जब बात आई उसके पैसों की तो उन्होंने कहा नहीं जी, जो आप कह रहे हो पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने का, POS लगाने का, वो POS तो नहीं लग सकते बिकॉज जो कॉस्ट एस्टिमेशन आप लेकर आए हो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इट मीन्स इस केस में अगर आपकी सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कॉस्ट बचानी है डिसीजन लेते हुए, तो आप उन सॉल्यूशन या उन अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे जो कि सस्ते हैं। और अगर आपकी कंपनी के ये कहते हैं कि नहीं जी कुछ भी हो जाए आपको सिर्फ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देना है रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, तो सूरत में आप अच्छे से अच्छे ऑप्शन की तरफ जाओगे जिसको आप समझते हो कि हमें रिजल्ट लाकर दे सकता। अब ये तीन क्राइटेरियाज हैं, मजीद क्राइटेरियाज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अब नंबर थ्री की तरफ चलते हैं, स्टेप नंबर थ्री, एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। इस स्टेज में जाकर हम जो भी क्राइटेरियाज हमने डिसाइड किए होंगे स्टेज नंबर टू के अंदर, उन सारे के सारे क्राइटेरियाज को हम वेटेज दें कि कौन सी चीज हमारे लिए कितनी ज्यादा अहम है। कॉस्ट कटिंग हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, रिस्क मिनिमाइजेशन सबसे ज्यादा अहम है, या आउटकम लाना ये सबसे ज्यादा अहम है, हम उसको एक वेटेज देते। ऐसा नहीं होता कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ आउटकम्स को देख रही है और पैसे फेंके जा रही है, उसे कॉस्ट भी देखनी होती है। लेकिन कॉस्ट किस हद तक इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि हमको डिसीजन लेते हैं तो उसमें रिस्क बिल्कुल जीरो होता है, रिस्क फिर भी रहता है, लेकिन किस हद तक रिस्क को मिनिमाइज करने के बारे में कंपनी सोच रही है, उसको प्रायोरिटाइज करना होता है, उसको वेटेज देनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। अगली स्लाइड में ये चीज़ आपको और बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी ये चाह रही है कि आप कोई नए कंप्यूटर्स लेकर आओ, आपको नए जब कंप्यूटर लेट्स सपोज आपको एक लैपटॉप खरीदना, जब आपको एक अपने एक नए एम्प्लॉय के लिए लैपटॉप खरीदना है तो खरीदने के लिए आपको किन किन चीज़ों को अपने जहन में रखना होता है। लैपटॉप के अंदर मेमोरी और स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखी जाती है, बैटरी लाइफ को देखा जाता है, उसका क्या वेट है, उसका क्या वजन है वो देखा जाता है, उसकी वारंटी कितनी आ रही है और उसकी डिस्प्ले क्वालिटी क्या आ रही है। अब यहाँ पर चूंकि ये ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला सिस्टम है जो हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हमने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है वो मेमोरी एंड स्टोरेज को दी है और उसको हमने 10 रेट कर दी। रेटिंग कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो रेटिंग स्केल दिया गया है वो 1 to 10 है। आप जब रेटिंग करने जाओगे तो आप 1 to 100 कर सकते हो अपने हिसाब से, रेटिंग क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो रेटिंग क्राइटेरिया दिया गया है वो 1 to 10 दिया गया मेमोरी एंड स्टोरेज। तो सबसे ज़्यादा जो अहम है इस ऑफिस के लिए जो कंप्यूटर लिया जा रहा है उसमें मेमोरी और स्टोरेज को अहमियत दी गई है। फिर उसके बाद है बैटरी लाइफ को, फिर उसके बाद उसका जो वेट है वेट को भी इम्पोर्टेंस दी गई है, वारंटी को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और डिस्प्ले क्वालिटी को सबसे कम एग्जाम्पल दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑफिस के अंदर चूँकि हम गेम्स नहीं खेल रहे होते या ग्राफिक्स का काम और नॉर्मली ऑफिस में नहीं होता ऑफिस वर्क के दौरान, तो इसलिए डिस्प्ले क्वालिटी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, इसलिए इसको सबसे नीचे दिया गया और यहाँ पे जो वेटेज दिया गया वो सबसे कम दिया। अच्छा अब यहाँ मैं रोकता हूँ और मेरे कुछ सवाल हैं और वो सवाल हैं मेरे अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्लास में आने से पहले एक हफ्ता पहले कहा भी था, सीआर को रिमाइंड करवाया था, आप अपने यूजर नेम वही रखिए जो आपके रियल नेम। अब अगर आपकी डिवाइस का नाम आएगा तो मैं अटेंडेंस माफ नहीं कर पाऊंगा और उस सूरत में आपकी मौजूदगी के बावजूद आपकी अटेंडेंस में एबसेंट चला जाएगा, क्योंकि जिनके नाम में पढ़ पाऊंगा मैं उनको माफ कर दूंगा एज़ अ प्रेजेंट और जिनकी डिवाइसेस आ रही हैं उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। चल अब चलते हैं और मेरा क्वेश्चन है मोहम्मद एहसनुल्ला। मोहम्मद एहसनुल्ला आपसे मेरा एक सवाल है कि यहाँ पर कैरिंग वेट पे नंबर सिक्स गिवन है और वारंटी पे नंबर 4 गिवन है, इस 6 का मतलब क्या है और इस 4 का मतलब क्या है? जी एहसनुल्ला हेलो, चले ऐसा लग रहा है शायद डिवाइस से बहुत दूर हैं,
नेक्स्ट मेरोनिसा, मेरोनिसा आपसे एक सवाल है और यही सवाल है कि बेटा कैरिंग वेट में नंबर 6 लिखा है और वारंटी में नंबर 4 लिखा है, क्या मतलब है इसका? सर कैरिंग वेट से ये कि कैरिंग वेट हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑफिस में इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू वारंटी। जिस चीज की इम्पोर्टेंस ज्यादा होगी उसे हम ज्यादा वेट साइन करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइएगा, क्या रेटिंग क्राइटेरिया 1 to 10 ही हो सकता है या हम कुछ और भी दे सकते हैं? सर कुछ और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें फॉर्म जैसे कंप्यूटर को हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए हो तो हम लोग अपने हिसाब से ही मेमोरी को रखेंगे कि इतनी इतनी मेमोरी चाहिए हमें। अच्छा बच्चों क्या रेटिंग क्राइटेरिया जहाँ पे रेटिंग दिया है नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक दिया है, हाईएस्ट को नंबर 10 दिया है और लीस्ट को नंबर 1 दिया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम रेटिंग 1 to 10 ना करें, 1 to 100, 1 to 50 या 1 to 20 करें, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या गुड। अच्छा बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये वेटिंग क्राइटेरिया हैं, अब यहाँ से मैं एक्सेल का इस्तेमाल करूँगा। 10 मिनट के अंदर हमारी क्लास ख़त्म होने वाली है, फर्स्ट सेशन हमारा ख़त्म होगा। फर्स्ट सेशन के बाद बच्चों हमारा जो सिस्टम है वो रिकॉर्डिंग जो भी हो रही है उसको वो फाइल क्रिएट करेगा उसकी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही वो फाइल कम्प्लीट होती है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ दूँगा, आप फौरन से उसी सेम जो मैंने आपको लिंक दिया था लिंक को इस्तेमाल करते हैं दोबारा सेशन को ज्वाइन करना होगा। ओके सर। ठीक है, और जिनकी डिवाइसेस के नाम ठीक नहीं है वो प्लीज अपनी डिवाइसेस के नाम दुरुस्त कर लीजिएगा मेन। अच्छा जी, अच्छा बच्चों ये जो हमारे पास वेटेज मौजूद है इन वेटेज को मैं एक्सेल शीट पे ला रहा हूँ ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक मैनेजर वो भी आप सीखना चाहते हैं। आपको दोनों स्क्रीन एक साथ दिख रही होंगी। अच्छा बच्चों ये वो स्टेप्स हैं जो नॉर्मली आप जब अपने ऑफिस में काम करने जाते हो तो आपको ये करने की जरूरत पड़ेगी, और इट्स गुड अगर हम अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर इन चीज़ों को एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हैं और आसान होती हैं। अच्छा वेटेज जो हमारे पास मौजूद है मैं वेटेज को यहाँ टाइप कर रहा हूँ 8, 6, 4 and 3। अच्छा अब यहाँ तक काम होने के बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 3 तक बच्चों आपको ओके हो गया होगा स्टेप नंबर 4 और शायद हमारी क्लास खत्म होने वाली अभी 6 मिनट हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा इसके बाद हम डेवलपिंग एंड ऑल्टरनेट्स की बात करेंगे, तो हमें ये पता है कि हमें डिसीजन लेते हुए किन किन चीज़ों को अहमियत देनी है और कितनी अहमियत देनी है। हमें सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है मेमोरी स्टोरेज को, हमें सबसे कम इंपॉर्टेंस देनी है डिस्प्ले क्वालिटी। तो अब बिल्कुल कोई ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है सिर्फ इसलिए उसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, ना मेमोरी अच्छी है, ना बैटरी लाइफ अच्छी है, ना वारंटी अच्छी है, ना ही उसका उसका वेट। वॉइस बहुत स्लो है, अब बेहतर हो गई? आवाज़ बहुत कम। जी सर। ठीक है। अच्छा बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले क्वालिटी सबसे नंबर 3 है। अब हम ऑल्टरनेट जब डेवलप करेंगे नंबर 4 के अंदर तो हम उन ऑप्शंस को सामने रखेंगे जो ऑप्शंस हमें सबसे ज़्यादा रेलेवेंट ये सबसे ज़्यादा सूटेबल स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी मेमोरी या स्टोरेज बहुत कम होती है। कुछ कंपनी कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जैसे हम सेल फोन्स की बात करते हैं जो गेमिंग सेल फोन्स होते हैं उनकी डिस्प्ले क्वालिटी या फिर रिफ्रेश रेट स्क्रीन का वो बहुत अच्छा होता है, स्टोरेज भी बहुत अच्छा होता है लेकिन और उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, हो सकता है उनकी वारंटी अच्छी ना। लेकिन ऐसे जो गेमिंग सॉफ्टवेयर गेमिंग जो मोबाइल्स होते हैं उनका वेट आम मोबाइल्स के मुताबिक मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वेट में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से हर ब्रांड आपको कोई ना कोई अलग सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है, तो हमें जब ऑल्टरनेट डेवलप कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारे पास तोशीबा है एक एग्जांपल और लैपटॉप के लिए हमारे पास सैमसंग मौजूद है, हमारे पास एचपी मौजूद है और हमारे पास डेल मौजूद है। हम इन सारे के सारे ऑप्शंस को सामने रखेंगे और इन सारे के सारे ऑप्शंस पे इन सारे कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम सारे ऑप्शंस की लिस्ट बनाएंगे। हमारे पास नंबर 1 ऑप्शन है कि हम डेल का लैपटॉप खरीद सकते हैं, नंबर 2 ऑप्शन है कि हम डेल का लैपटॉप नहीं लेते, हम डेल के लैपटॉप की जगह हम लोग एचपी का लैपटॉप ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ऑप्शन है कि हम एचपी का लैपटॉप नहीं लेते, हम
एक और ब्रांड होता है एसियर, हम ऐसे का लैपटॉप ले लें। तो ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं इनकी लिस्ट बना ली जाती है स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 5 के अंदर जाके हम इन जो भी हमने लिस्ट बनाई है उन लिस्ट को जाके एनालाइज करें कि कौन सी स्टेप्स, जैसे यहाँ पे मौजूद है तोशीबा, हमारे पास एक मौजूद है, एक डेल है, देन एचपी, देन एप्पल आईबुक है, देन सोनी है, देन गेटवे है, देन तोशीबा का एक और लैपटॉप है, देन लेनोवो है हमारे पास मौजूद। हमने ये जो भी लिस्ट मौजूद है, ये ब्रांड्स मौजूद हैं, हमने वन बाय वन जाकर हर ब्रांड को इन चार कंपोनेंट्स के ऊपर, या पांच कंपोनेंट जो हमने ऊपर लिखे थे, क्राइटेरिया रखे थे, इन चार क्राइटेरिया के बेस या पांच क्राइटेरिया के बेस पर चेक करना है। बिल्फर्स सबसे पहला था हमारे पास मेमोरी एंड स्टोरेज। हम चेक करेंगे कि तोशीबा हमें मेमोरी और स्टोरेज क्या दे, हम एक काम करेंगे उसको एक रेट दे देंगे। बिल्फर्स क्या अगर तोशीबा बहुत अच्छी हमें दे रही है मेमोरी एंड स्टोरेज तो हम उसे 10 out of 10 की रेटिंग देंगे। फिर उसके बाद हम इसी लैपटॉप के अंदर इसकी बैटरी लाइफ देखेंगे, तो पता चला कि भाई इसकी मेमोरी स्टोरेज तो बहुत अच्छी है लेकिन बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने इसको 3 out of 10 मार्क कर दिया यहाँ पर इस जगह। फिर उसके बाद हमने उसका वेट चेक किया तो बहुत ही लाइट वेट था, हमारा हम जैसा चाह रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही था, तो हमने इसको 10 out of 10 दे दिए कैरिंग वेट के हिसाब से। वारंटी के हिसाब से देखी तो वारंटी उतनी नहीं थी जितनी हम चाह रहे थे लेकिन कम भी नहीं थी, तो हमने 8 out of 10 दे दिए। डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो हमने डिस्प्ले क्वालिटी चाह रहे थे उतनी नहीं, उससे आधी है, तो हमने 5 out of 10 मार्किंग दे दी। अब इस तरीके से वन बाय वन जाके हम हर ब्रांड को चेक करेंगे और हर ब्रांड के सामने उसकी रेटिंग करते रहेंगे। ठीक, अच्छा, अब ये रेटिंग करने के बाद अब ये चार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब अगर इस स्टेज के ऊपर हमारे पास क्राइटेरिया को हमने वेटेज सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी होती, हमने कहा होता मेमोरी भी, बैटरी, कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले, सारे के सारे इक्वली बराबर इम्पोर्टेंस रखते हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए बराबर बराबर, अगर ऐसा मामला होता तो हमारे लिए ये चार्ट डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर था। कैसे हम ये करते हैं कि हम तोशीबा की 10+3+10+8+5 इन सबको प्लस करते और उसके बाद टोटल के लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बनाते, हर ब्रांड को हमने जो भी मार्किंग दी हुई है उन सारे मार्किंग्स को हम टोटल करते और जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता हम उसे सेलेक्ट कर लेते। लेकिन बच्चों ये मामला तब होता तब हम सारे के सारे क्राइटेरियाज को इक्वली वेट करते, मेमोरी एंड स्टोरेज जितनी इंपॉर्टेंस रखती है, बैटरी लाइफ भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती हो, कैरिंग वेट भी उतना इंपॉर्टेंस रखता हो, वारंटी और डिस्प्ले क्वालिटी भी उतनी इंपॉर्टेंस रखती होगी, तो सूरत में ये चार्ट हमारे लिए काफ़ी था। जो भी हमने स्कोर किया था स्कोर का टोटल लेंगे और जो भी ब्रांड हाईएस्ट स्कोर कर रहा है वो हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, लेकिन इस केस में चूंकि मामला डिफरेंट है तो हमें यहाँ पर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आई बिलीव आप लोग फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हो स्टैट्स के अंदर। हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अप्रोच नंबर वन। अप्रोच नंबर टू की हम मल्टीप्लिकेशन की एक अप्रोच है वो अप्लाई करेंगे, हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, दोनों से आंसर्स हमें रीजनेबल मिलते रहेंगे, हम दोनों अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे। तब तक बच्चों ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इस स्क्रीन का स्क्रीन शॉट ले लें अपने पास, या फिर जो मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट तो शेयर किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में स्लाइड नंबर देख लें 6-178 पेज नंबर 178 पर आ जाइएगा। जब तक ये नया सेशन स्टार्ट होता है और मैं इसकी वीडियो में फाइल में कन्वर्ट करता हूँ जिसमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं, तब तक आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा इस स्लाइड को और वापस आते हैं तो हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से एक्सेल में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेशन को मैं यहाँ रोक रहा हूँ और नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपकी अटेंडेंस लगेगी, जिसकी डिवाइसेस के नाम ठीक नहीं तो प्लीज़ वो डिवाइसेस के नाम भी ठीक नहीं करिए। अल्लाह हाफिज़।